सो हाई गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सबनानी। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप 10 मिनट में एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो तो कैसा साउंड करेगा, राइट? अगर आप अपने वेडिंग पोर्टफोलियो की वेबसाइट 10 मिनट में बना सको, वो भी इवन फ्री में, तो कैसा साउंड करेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड करेगा, राइट? क्योंकि यूजुअली अगर मैं एक वेबसाइट बनाने की बात करूं और एक अच्छे टैम्पलेट्स के साथ में काफ़ी सारे पेजेस वाली वेबसाइट बनाने की बात करूं तो काफ़ी खर्चा रहता है उसमें। यूजुअली 8 से 10 हज़ार रुपये तो लग ही जाते हैं, और उसमें होस्टिंग की भी कॉस्ट आती है, डेवलपमेंट की भी कॉस्ट आती है, साथ साथ में डोमेन भी खरीदना पड़ता है, तो बहुत ईजी प्रोसेस नहीं होता। हम लोगों को किसी कंपनी से बात करनी होती है, उसके बाद वो हो पाता है। बट मैं बताऊं, आप घर बैठे बैठे ये काम कर सकते हो और बहुत ही कम प्राइस में काम आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ट्यूटोरियल देने वाला हूं ज़ायरो वेबसाइट का, ज़ायरो.com का, जो कि एक वेबसाइट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है। और मैं खुद भी रिसर्च कर रहा था कि मैं अपनी कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूं। अभी तक मैंने मेरी कोई वेबसाइट बनाई नहीं थी, बट मैं बस अपनी वेबसाइट को जो है होस्ट करने वाला हूं। और मैं रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि यार इसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं ये बहुत राइट टाइम है, क्योंकि हम लोग अभी हम लोगों के पास जो है अभी थोड़ा कम काम है, और इन दैट सिचुएशन हम हमारी सोशल प्रेजेंस बना सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है। और इस वेबसाइट का यूज़ करके आप आसानी से एक बहुत ही अमेजिंग हाई क्वालिटी की जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग जंप करते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है ज़ायरो। मैं एक बार ऑलरेडी टाइप कर चुका हूँ ZYRO। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका जो है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट है और बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। इस पर आप वेबसाइट बना सकते हो, ये एक वेबसाइट है जिस पर आप वेबसाइट बना सकते हो। इसके साथ साथ में आपको लोगो मेकर मिलता है, तो आप अपनी कंपनी का लोगो बनाना चाहते हो तो वो भी आप फ्री में इस पर बना सकते हो। ये आपको बहुत डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है लोगो क्रिएट करके दे देगा। इसके साथ में इसमें और भी इसके बहुत अलग अलग फीचर हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले मैं वेबसाइट के ऊपर जो है क्लिक करता हूँ और वेबसाइट को ओपन करता हूँ। आपको सिंपली करना क्या है, आपको पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बट मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। आपको साइन आउट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको साइन इन करना पड़ेगा, एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपकी मेल आईडी से वो अकाउंट ओपन होगा और आपको इस तरीके से जो है डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब करना क्या है, मुझे यहाँ पे सिंपली गेट अ फ्री वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट अ फ्री वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास टैम्पलेट्स आ जाएंगे, राइट? बहुत ही अमेजिंग टैम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत अलग अलग टैम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो बेसिकली मुझे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। यहाँ पे ऑल वेबसाइट हो गया, ई कॉमर्स अगर आप सपोज करिए कुछ ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो उस टाइप की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। तो फोटोग्राफर्स के लिए बेसिकली पोर्टफोलियो बेटर रहता है। अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, तो अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अपना एक ऑनलाइन रिज्यूमे बहुत ही क्लासिक रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। बट यहाँ पे राइट नाउ मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहूँगा और मैं इसे नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे मुझे प्री सेट जो है टैम्पलेट्स मिल जाते हैं। और सिंपली मुझे अब करना क्या है, एक टैम्पलेट को पिक कर लेना है, जो भी स्पेसिफिक टैम्पलेट मुझे पसंद आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो है ये वाला टैम्पलेट फूड फोटोग्राफी का पसंद आ रहा है, स्टार्ट बिल्डिंग। तो मैं बिल्डिंग करना स्टार्ट करूँगा, वेबसाइट बनाना बेसिकली स्टार्ट करूँगा। अब टैम्पलेट जो है वो ओपन हो रहा है आपके सामने। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्शंस नज़र आएंगे जिसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, राइट? अभी एक सेकेंड, ये ओपन हो रहा है अभी, देखिए अभी आपके सामने ओपन हो गया, राइट? यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स लगा सकते हो और सेक्शन ऐड कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट डाल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली काम कैसे करता है प्रैक्टिकली। अब मुझे यहाँ पे मेरा नाम डालना है, मैं अपना नाम लिखता हूँ पुनीत सबनानी, PUNITSABNANI। और मैंने जो मेरी अभी वेबसाइट मैं अभी तक बना नहीं चुका हूँ, ऑलरेडी अभी काम में चल रही है वो वेबसाइट, और मैं सेम इसी फॉर्मेट इसी बेसिकली टैम्पलेट को यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को ये टैम्पलेट बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं क्या करता हूँ, मैं एक TRAVEL ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ, और अगर आप चाहो तो फॉन्ट भी बड़ा कर सकते हो। जैसे मुझे ये थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो छोटा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा जो है फॉन्ट को लार्ज कर दूंगा या फिर मीडियम रखूंगा, राइट? तो थोड़ा सा फॉन्ट जो है अच्छा लगे, राइट? फिर उसके बाद आप यहाँ पे पिक्चर्स को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे ये पिक्चर है, बिकॉज मैं फूड फोटोग्राफर तो हूँ नहीं, मैं ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ, तो मुझे इस पिक्चर को है रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा वेबसाइट को छोटा करूँ, तो मुझे यहाँ पे चूज़ इमेज करना है, राइट?
और यहाँ पे मैं जाऊँगा रिप्लेस इमेज पे, और मुझे अब यहाँ पे जो है इमेज को अपलोड करना है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ब्राउज भी कर सकते हो, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। मैं एक मिनट नीचे चले जाता हूँ, वेबसाइट पोर्टफोलियो, यहाँ पे मुझे चाहिए ये मेरी इमेज जो कि मेन इमेज के तौर पे रहेगी। ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इमेज जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, हो चुका है। और मैं एक बार क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज जो है यहाँ पे आ गई है। तो पुनीत सबनानी ट्रैवल, ये मेरा फर्स्ट पेज रहेगा, ये मेरा होम पेज रहेगा जब आप मेरी वेबसाइट को ओपन करोगे। उसके बाद मैं मेरा अपना काम यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरे बारे में लिख सकता हूँ, जो भी मैं लिखना चाहूँ, टेक्स्ट जो है वो डाल सकता हूँ। मैं किस टाइप की फ़ोटोग्राफी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे भी मैं एडिट कर सकता हूँ, सम ऑफ माय प्रोजेक्ट की जगह मैं लिखूँगा सम ऑफ माय वर्क। और यहाँ पे मैं जो है इमेजेस को, ये पूरी लेआउट दी हुई है राइट यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जो है इमेजेस को चेंज कर सकता हूँ। एक एक इमेज को मैं चेंज करूँगा, चूज इमेज, अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, रिप्लेस इमेज। तो मैं जाऊँगा वेबसाइट पे, अपलोड करनी है मुझे राइट, मैं अपने पोर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा ये ट्रैवल वाली फुटेज एक और, ठीक है। अब ये अपलोड होना यहाँ पे अगेन स्टार्ट हो जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने कर दिया है, अपलोड हो रही है अभी इमेज, और फिर उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर जो है इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। सो अब यहाँ पे मुझे क्विकली जितने भी इमेजेस मुझे दिख रही हैं उसे मुझे अपनी ओरिजिनल इमेजेस से चेंज कर देना है। तो मैं अभी इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, क्विकली हम लोग इसे रिप्लेस करते हैं। तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे पिक्चर्स को अपलोड कर दिया है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो था, अगर इंटरनेट थोड़ा फास्ट होगा तो ये बहुत जल्दी काम हो जाता है, हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं, मुझे 10 मिनट से ऊपर लग गए बिकॉज मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी मुझे टाइटल डालना हो, ठीक है। मैंने फ़ोटो ये क्लिक करी है यूके में, ठीक है, ये लाइट पेंटिंग है। लाइट पेंटिंग है, आप टाइटल डाल सकते हो, जो भी टाइटल आपको डालने हो पिक्चर्स के नीचे, और जिस भी टाइप की आपकी पिक्चर है राइट। फिर उसके बाद सब यहाँ पे मैंने एक पेज पूरा रेडी कर लिया जो मेरा मेन पेज है। इसके बाद मैं यहाँ पे सेक्शंस को ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे अगर सपोज करिए मेरे को मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, तो वो मैं पेज ऐड करना चाहूँगा। वो मैं पेज आप यहाँ पे अब अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए तो जो मेल है वो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी, जो भी आपने इसमें मेल को सबमिट किया होगा, जो भी आपकी रजिस्टर्ड मेल है। फिर इसके बाद में और सेक्शन ऐड करने, जैसे मुझे हेडलाइन ऐड करनी है, इमेजेस की और गैलरी मुझे ऐड करनी है, मुझे मेरा इंस्टाग्राम फीड ऐड करना है, मुझे मैप ऐड करना है। सपोज करिए आप अपने गूगल मैप पे आपकी लोकेशन दिखाना चाहते हैं, तो इस टाइप से मैप ऐड हो जाएगा आपकी लोकेशन किधर है राइट। और इसके साथ साथ में आपको इंस्टाग्राम की फीड ऐड करनी है, जो कि मुझे खुद को ऐड करनी है इंस्टाग्राम की फीड, तो मैं इंस्टाग्राम की फीड सिलेक्ट करूंगा। फिर आपको यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम को लॉग इन करना होगा, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंस्टाग्राम फीड या एडिट फीड, तो आपको अपना इंस्टाग्राम को लॉग इन करना होगा। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम को लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की फीड भी आपको दिखाई देगी आपकी वेबसाइट पे, तो ये आपस में लिंक हो जाएंगे, ठीक है। आपको अपने वीडियोस को डालना है, वीडियो के लिए अलग पेज क्रिएट कर सकते हो, फोटोज को डालना है, फोटोज के लिए अलग पेज क्रिएट कर सकते हो, सोशल आइकन्स आपको ऐड करना है वो आप ऐड क्रिएट सकते हो, ब्लॉग और ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं सोशल आइकन में जाता हूँ, ठीक है। आप अपने सोशल मीडिया के हैंडल जो हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे डेफिनेटली अपनी वेबसाइट को आ करके 10 मिनट से 15-20 मिनट के अंदर रेडी कर सकते हो इस टाइप की प्रोफेशनल लुक वाली वेबसाइट। अब मुझे क्या करना है, मैंने मेरे पेज बना लिए राइट, मैंने मेरे पेजेस को रेडी कर लिया है। ये मेरा फर्स्ट पेज आएगा, फिर उसके नीचे सेक्शंस आएंगे, फिर उसके बाद और भी सेक्शन मैं ऐड करना चाहूँ वो सेक्शन मैं मेरे पोर्टफोलियो के लिए ऐड कर सकता हूँ। अब मुझे सिंपली क्या करना है, पब्लिश करना है वेबसाइट को। जैसे मैं पब्लिश करूँगा तो यहाँ पे अगर आपको डोमेन नहीं ख़रीदना है और आपको फ्री वेबसाइट चाहिए राइट, आपको डोमेन नहीं ख़रीदना है, आपको फ्री वेबसाइट चाहिए, तो फ्री में आपकी वेबसाइट ये रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको नाम डालना है, जैसे WORLD वर्ल्ड वर्ल्ड ऑन HANDS, ये मेरे YouTube चैनल का नाम है राइट।
तो जैसे ही मैंने डाला तो इसने बताया यस ये नाम अवेलेबल है, और मैं जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो जो ये वेबसाइट है पब्लिश हो जाएगी। बट क्योंकि ये एक फ्री वेबसाइट है तो यहाँ पे एक सर्टन लिमिटेशंस आपको होंगे। अगर आपको ज़्यादा पिक्चर्स नहीं अपलोड करनी है, इन केस ऑफ दैट ये वेबसाइट का ऑप्शन बहुत अच्छा है, राइट? आपको आपके पास पहले कुछ नहीं था, एटलीस्ट आपके पास अभी यहाँ पे कुछ है, आपकी एक सोशल प्रेजेंस है, राइट? बस इस वेबसाइट का प्रॉब्लम ये होगा, जब आप फ्री वाली वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे zyrosite.com करके एक लिंक मिलेगा, और जब भी आप किसी को भी वो शेयर करेंगे तो ये सेम नाम से ही शेयर होगा, जैसे वर्ल्ड ऑन हैंड zyrosite.com, और आपको ज़ायरो के एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई देंगे उस वेबसाइट पे। तो ये तो नॉर्मल है ही, बिकॉज फ्री वेबसाइट बन रही है तो कोई ना कोई आपको एड कंपनी अपने एड्स डालेगी उस सिचुएशन में। तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, राइट? मेरी वेबसाइट जो है वो पब्लिश हो रही है, देखिए पब्लिश हो रही है, पब्लिशिंग दी वेबसाइट अभी पब्लिश हो रही है, पब्लिश हो गई। अब ठीक है, अब इस अगर आपको सपोज करिए ये तो फ्री वाला प्लान है, आपकी वेबसाइट जो है पब्लिश हो गई, आप यू योर वेबसाइट करेंगे, आपकी वेबसाइट जो है वो पब्लिश हो चुकी है, आपको लिंक मिल गया है, आप इसे कॉपी कर लीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट हैंड टू हैंड, ठीक है? बट अगर आप कोई प्लान सिलेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपने जो ये फ्री वेबसाइट बनाई है इसकी लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। तो जब आप फ्री वेबसाइट बनाते हो तो ये लिमिटेशन बेसिकली आपको होती है, जैसे कि आपको केवल जो बैंडविड्थ मिलेगी वो 500 Mbps की मिलेगी, और जो स्टोरेज मिलेगा वो भी केवल 500 Mbps का मिलेगा। तो आप 500 Mbps से ऊपर ज़्यादा फोटोज़ और वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर सकोगे, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। साथ साथ में आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखेंगे ज़ायरो के, और इसके साथ साथ में आपका अगर कोई डोमेन है राइट नाउ, राइट, कोई डोमेन है, आपने ऑलरेडी डोमेन लिया हुआ है, तो वो इस वेबसाइट के साथ में लिंक नहीं किया जा सकता। अगर आप एक फ्री वेबसाइट बना रहे हो तो वो zyro.sites के नाम से ही आपको वेबसाइट का URL बन के मिलेगा। ओके है, अगर आप एक फ्री वेबसाइट बनाना चाहते हो, इन केस ऑफ दैट आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक पेड प्लान लेते हैं इसका, ठीक है, जैसे कि ये है बेसिक और अनलिस्ट, तो मैंने ये ऑलरेडी अनलिस्ट प्लान ले लिया है, इस पर ऑलरेडी 30% ऑफ चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा जो है ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप एक बेसिक वाला भी लेते हैं तो आपको ये कॉस्ट करता है $1, ठीक है, $1.49, और मैं अगर मैं इसको कैलकुलेट करके बताऊँ, $1 महीने का है केवल, ठीक है, इंटू 12, तो $16.68 इंटू 74, तो आपको 1200 रुपये केवल खर्च करने हैं साल के, और आपकी वेबसाइट जो है उसमें आप अपना खुद का डोमेन यूज़ कर सकोगे। इसके साथ साथ में आपको ये SEO का जो है ऑप्शन मिलेगा, इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे कनेक्ट योर डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, जो एड्स हैं ज़ायरो के वो नहीं दिखाई देंगे आपको अपनी वेबसाइट पे। तो अगर आप ये पेड ऑप्शन ये लेते हैं, आपको केवल एक छोटा सा 1200 रुपये खर्च करने हैं, आप अपनी एक खुद का URL बना सकते हो, आप खुद के ऐड डाल सकोगे वेबसाइट पे, क्योंकि आप वेबसाइट से भी अर्न कर सकते हैं अगर आप गूगल एडसेंस से उसे लिंक कर देते हैं, तो वो भी आप कर सकोगे अगर आपका खुद का डोमेन है। और मैंने जो ये प्लान लिया है, मैंने लिया है अनलिश प्लान, इसके बाद ये ई कॉमर्स और ई कॉमर्स प्लस प्लान है, अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो उस टाइम पे ये यूज़ कर सकते हो, बट मैंने बेसिकली अनलिश प्लान लिया है क्योंकि ये टॉप नॉच है और इसका भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ये हार्डली $2.50 का है। तो आप देखिए, मैं $2 इंटू 12 करता हूँ तो कितना आता है, तो मुझे अराउंड ₹2,175 खर्च करने हैं साल भर के लिए, एक साल के लिए। और अगर आप अनलिश प्लान लेते हैं तो अब आपको डोमेन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनलिश प्लान के अंदर आपको एक डोमेन फ्री देंगे, ठीक है, और वो डोमेन आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के सर्च कर सकते हो, डोमेन आपको मिल जाएंगे, एड्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका पुराना कोई डोमेन है तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, साथ साथ में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा, तो आप वीडियो फोटो सब कुछ अपलोड कर सकते हो, आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, एडवांस इंटीग्रेशन मिलेंगे, फ्री प्रीमियम डोमेन फॉर 1 ईयर जैसे ये मेंशन है ये मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो एक साल का डोमेन भी आपको फ्री मिलने वाला है। तो आप डेफिनेटली 1 ईयर वाला प्लान ले लो मेरी तरफ से, तो क्योंकि मैं खुद भी ये ले रहा हूँ और बहुत ही अच्छा प्लान है, काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में अवेलेबल है, 2500-3000 रुपये में आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी, ज़्यादा कुछ आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एक साल का केवल प्लान है, और आपको होस्टिंग भी मिल रही है इसके अंदर, आप अपनी वेबसाइट भी बिल्ड कर पा रहे हो, और आप इवन उस प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलप करके उस पर ऐड भी डाल सकते हो गूगल एडवर्ड से, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यार। मतलब मेरे फ्रेंड लोगों ने वेबसाइट बनाई है, यूजुअली 8-9 हज़ार रुपये यूजुअली लग जाते हैं, मैंने लोगों से कंफर्म किया था, इतना नॉर्मली लगता ही है,
बट इस एप्लीकेशन को यूज़ कर, इस वेबसाइट को यूज़ करके वो पैसा मेरा सेव हो रहा है, और बाद में जितने भी टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं आप उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट को टाइम टू टाइम पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है Xero.com का, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे 30 डेज़ की फुल मनी बैक गारंटी भी मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, मतलब मैं तो बोलूँगा इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है। साथ साथ में अगर आप मेरे कोड को यूज़ करेंगे, जो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, अराउंड 30% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप वो भी चेकआउट करके लगा के देखिएगा, तो फिर आपका जो प्लान है वो और सस्ता हो जाएगा। आपको एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है और सस्ते में मिल जाएगा, आप और सस्ते में अपनी वेबसाइट को बना पाओगे। तो ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा उसको, कोड को भी, कोड को अप्लाई करके देखिएगा। और मैं 110% रिकमेंड करूँगा, बहुत अभी इस टाइम पे हम लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी है, कंपनी डिस्काउंट भी बहुत अच्छा दे रही है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और आई होप आप लोगों को ये शायद वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइएगा आप बना रहे हैं नहीं बना रहे अपनी वेबसाइट, और साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, कूपन कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून एंड स्टे रॉक।